بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء صدق الله العظيم. سامعین محترم، مختصر حمد و ثنا و بعد درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے لکھاں کروڑاں انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام دی بارشاں ہون. اللہ والو، اج دا اے عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک عالم اسلام دی عظیم شخصیت، بلکہ اس طرح کہاں تو بات بن دی ہے، انبیاء تو بعد اس کائنات دے اندر سب تو اچا اعلی مقام پان والے حضرتنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان و مقام اگر میں کہاں میں بیان کرنا چاہنا تو میں سمجھنا اے بات مناسب نہیں ہوئے گی. میں اونا دی شان اندر چند باتاں عرض کرنی چاہنا، اپنی وکالت دا حصہ پانا چاہنا. دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت تسا تمام احباب نو سن سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو یہ بات اسی احباب سن چکے ہو کہ میں یہ بات کرنا کہ میرے بھائیو صحابہ کرام ہر نبی پاک دے ادنا تو ادنا صحابی دا بھی عظمت شان مقام بڑا ہے. ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل دا اپنا مقام ہے، اپنی رفعت ہے. تسی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی صحابی دی بھی عظمت پڑھو گے تو انو ایسے طرح ہی محسوس ہوئے گا کہ اے دے تو ود کے لگدا ہے کسی دا شان و مقام مرتبہ نہیں. لیکن جس ہستی دا میں اس وقت ذکر کرن جا رہے ہیں، انبیاء تو بعد علم وچ بھی سارے تو آلہ، انبیاء تو بعد عمل وچ بھی سارے دنیا دے شخصیات نالوں آلہ، صحابہ نالوں آلہ، مقام اندر بھی سب نالوں آلہ، رفت اندر بھی سب نالوں آلہ، بلندی اندر بھی سب نالوں آلہ. اور اگر میں انج کہاں تو بات بڑی نہیں، میں اس ہستی دا ذکر کرن جا رہے ہیں جے میرے آقا مکے چ نے تے صدیق میرے آقا دے نال نے، جے میرے آقا ہجرت کرن لگے نے تے صدیق آقا پاک دے نال نے،
जे मेरे आका मदीना ए पाक अंदर ने ते हजरत ते सिद्दीक मेरे आका दे नाल ने, अगर मेरे आका किसी भी जंग अंदर ने तो हजरत ते सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका दे नाल ने, और नबी पाक सल्लम दा ए यार मेरे आका दुनिया तो चले गए ने। जो दुनिया तो जा चुके ने कुछ अरसा बाद हजरत सिद्दीक भी वफात पा गए, ते आका जिथे सुते ने ते मेरे सिद्दीक भी आका दे नाल ही सुते ने। सिर्फ इतने बस नहीं, कल कयामत का दिन होएगा, मैदाने माशर सजिया होएगा, हर कोई बंदा कोई किसी दे नाल होएगा, कोई किसी दे नाल होएगा। और सुने मुस्तफा दी ओ हदीस मैनू अज भी याद है, नबी पाक सल्लम ने फरमाया जिन्हों जेदे नाल बोता प्यार है वो ओदे नाल ही कल कयामत नू होएगा। ते मिलके जवाब दियो सिद्दीक तो वद के नबी नाल किसे नू प्यार हो सकदा? ते नबी पाक सल्लम नू सिद्दीक नालों वद के किसे नाल प्यार हो सकदा? नहीं। कल कयामत हशर दे मैदान अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक इकट्ठे ही होंगे। इत्थे बस नहीं, होजे कौसर लगा हर कोई अपने जनाब पानी तो बिलकदा तरसदा पिया है। सोने मुस्तफा ने फरमाया कैनात वालियो मेरे सज्जे ओथे भी सिद्दीक होएगा, ते फरमाया खब्बे उमर होएगा रजी अल्लाह ता। बस नहीं होई, नबी पाक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत दे रावी अशरियातुल अजर दे अंदर 1275 नंबर रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। ये दुआ हजरत अनस रवायत दे रावी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमांदे ने नबी पाक सल्लम ने दुआ कीती है अल्लाह सोनिया कल कयामत दा दिन होए सिद्दीक नू जन्नत विच मेरा रफीक बना दे, मेरा साथी बना दे, मेरे नाल आला दर्जा अता कर दे। कैनात दे लोगों कल कयामत दा दिन होएगा, मेरा सिद्दीक जन्नत विच भी आका दे नाल होएगा। कुरान भी कह रहा है, कुरान भी ऐलान कर रहा है, वमैं युद्दिल्लाह वर रसूल फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। ओ लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा अल्लाह दी इताअत कर लवे, सोने मुस्तफा दी अतात कर लवे, कल कयामत दा दिन होएगा ओ मैं नबी नाल होएगा ते सिद्दीक नाल होएगा। पता ए चले आए कल कयामत नू जन्नत विच नबी ते सिद्दीक इकट्ठे ही होणगे। नबी ते सिद्दीक बोल छोड़ो यार, नबी ते सिद्दीक इकट्ठे ही होणगे। अभी तो तमखीदी बातां मैं अर्ज कर रहा जे कायनात दे लोगो कौन सिद्दीक है, कौन सिद्दीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात दे लोगो जदों मेरे आका हिजरत करन लगे ने ना, पहले कुरान दी गल करने आं, कुरान दी गल करने आ, कुरान दी मेरे आका हिजरत करन लगे ने, आका दा यार सिद्दीक नाले गारे सोर दे अंदर ने, पिछों काफर मुनाफक भी पहुंच गए। ते पता हजरत सिद्दीक बड़े परेशान, अल्लाह पाक कोलों सिद्दीक दा परेशान होना वेखिया ना गया, अल्लाह ने अरशा तो कुरान बना के नाजल कर दिता है।
कुरान बना के नादल कर दिता कुरान। फरमाया इद अखराजा उल्लज़ीना कफरू सानियस नईल इज हुमा फिल गार इद यकूलु लिसाहिबिहि ला तहज़न इन्नल्लाह गम आना ओ सिद्दीक प्यार या गम न कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह गम आना जिते अल्लाह मेरे नाल है, जिते अल्लाह मेरा मददगार है, जिते अल्लाह मेरा खामियो नासर है। इन्नल्लाह गम आना सिद्दीक प्यार या अल्लाह तेरे नाल भी है, अल्लाह तेरे नाल भी है, अल्लाह मेरे नाल भी है, अल्लाह सानू जाया नहीं करेगा। कायनात दे लोगो जिन्ने तन मन धन अपनी जवानी अपना जनाब मालो जर नबी पाक ते लुटा दिता ओनू जमाना सिद्दीक कहिंदा है। क्यों ना मैं सिद्दीक कवा, क्यों ना मैं अजमत बयान करा। इंज ना मेरे आका ने सब तो पहले जलाने नबूवत कीता है। कायनात वाले पता जे मुश्किल वक्त अंदर जेड़ा साथ दे दवे बंदा ओनू कदी नहीं जे भुलिया करदा। मेरे आका ने लाने नबूवत कीता है। इधरों जनाब सके चचे ने मुखालत कर दितियां ने तबल्ला कया मुहम्मद तेरे गत टुट जान। तू सानू इस घटिया दावत वास्ते बुलाया ते मेरे आका दा यार अबू बकर सिद्दीक बार तजारत दे दौरे ते गया है। वापस आया ना दसन वाले दसिया अबू बकर तेरे बचपन दे यार मुहम्मद ने नबूवत दा ऐलान कर दिता है। ओ लोगो नबी पाक दी नबूवत दी सदाकत ए वी जे यार जिहड़ा बचपन दा यार होवे ओदे बारे सारा पता हुंदा है ते लोग ताना मार देंदे ने। ओ मैनू पता है छोटिया हुंदिया आ करदा रिहा है, ओ करदा रिहा है। सिद्दीक नूं पता चलिया हजरत सिद्दीक नबी पाक सल्लम दे कोल गए ने, घर नहीं गए, पहले नबी पाक दे कोल गए ने। पुछिया हां का सोनिया मैं गल सुनिए। हां सिद्दीक प्यारिया अल्लाह ने मैनू अपना आखिरी नबी बना दिता है। ते हजरत सिद्दीक पता की आंदे ने, आंदे ने जे अल्लाह ने तुहानू अपना आखिरी नबी बनाया है ते फिर नोट कर लो तुहाडा पहला उम्मती रब ने सिद्दीक बना दिता है। पहला उम्मती कौन है, पहला सहाबी कौन है, उस सहाबी दे नाम दा आगाज कितों होया है, हजरत सिद्दीक अकबर तो। ओ जे सहाबी अगर हजरत सिद्दीक दा इनकार कर दिता जाए फिर सारी सहाबियत दा इनकार, फिर सारे सहाबा दा इनकार। कायनात दे लोगो नबी पाक सले ते गल लेना, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कीता सब तो पहले तस्दीक करन वाला कौन है? यार बोल छोड़ो कौन है, बोलो कौन है? अबू बकर सिद्दीक, बोलो कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो। ओ खुदा दा वास्ते जरा बेदार हो के बैठो, मैं तो इंशाल्लाह नबी दे एक एक यार दी अजमत दा डनका बजा के छोड़ांगा। क्योंकि पिछले जुमे शाने अमीरे मुआविया मैं बयान कीती है, अल्लाह जानदा गालां कढ़न वालिया ने बड़िया गालां कढ़िया ने। जाओ मीडिया ते देखो केड़े लफाज ने जेड़े गालियां दे नहीं निकाले गए। मैनू भी गालियां अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला आनो नू भी गालियां, रब्बे मुहम्मद की कसम गालियां खा के मेरा ईमान कम नहीं गोया, बढ़ गया है। मैं तो अल्लाह पाक नाल ए वादा कर लिया है, अल्लाह जे लोग अमीरे मुआविया तो सड़ते ने, डरते ने, बुगज करते ने, मैं अपना मरकज बनावांगा, ओदा नाम भी अमीरे मुआविया
ना रखांगा जे अल्लाह मेनू पुत्र दवे मैं ओदा नाम भी अमीरे मुआविया रखांगा अल्लाह मेनू जान दवे अल्लाह मेनू जेड़ा है सेहत दवे अल्लाह दीन दा कम लवे मैं अपने घर बयान दे अंदर शाने अमीरे मुआविया बयान करता रवांगा गुस्ताखे से गाबानू जुतियां मारदा रवांगा जलांदा रवांगा साड़दा रवांगा शाने अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नू बयान करता ही रवांगा नबी दे के यार दी असमत बयान करता रवांगा तू नबी दे यारा नू काला कड मैं कुरान पढ़ के अजमत बयान करा तू नबी दे यारा दा इनकार कर मैं नबी दे यारा दी अजमत दे डंके बजावा परचम लहरावा पता चल जाए कौन अगे जांदा है तू काला कड के जहन्नम दे निचले दर्जियां च जा मैं शान बयान करके जन्नत दे आला दर्जे ते पहुंचांगा आखो इंशाल्लाह नबी पाक दा यार सिद्दीक आका पाक ना मिराज ते गए मिराज मेरे आका करके वापस आए ते मिराज होया रात विच नहीं रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर मिराज होया मेरे आका पाक नू वापस आए ते आका फरमांदे ने मैं मस्जिद हराम गया मस्जिद अक्सा गया ते मैं उतो मैं सत्ता समाना दी सैर करके आया ते अबू जाल नू पता चलिया उन्हें कि अच्छा हली काम नबी पाक सल्लम दा नवा नवा ही है उन्हें क्या चलो हुण जिहड़े कुछ चार जी नार रले ने वह भी मैं बिछाड़ देना वह भी मैं इन्हां दे नालों अलग कर देना ये बड़ी शोखी दे नाल गया ते जा के आंदा सिद्दीक आको रज़ी अल्लाह ताला अनहो आंदा कोई बंदा आके के मैं रातों रात सत्ता समाना दी सैर कीती है हालांकि ये जड़ा सफर है बहुत ज्यादा सफर बनता है 500 साल का एक आसमान का जड़ा है सफर है 3500 साल वो बंदा कि मैं रात दे थोड़े जे हिस्से च कीता रात दे थोड़े जे वैसे पहले साइंसदान भी इनकार करते सन हुण अल्लाह पाक दी तौहीद ते अल्लाह पाक दी जिहड़ी ये कुदरत ते उन्हां भी ईमान लिया के मनण ते मजबूर हो गए ने वाकई नबी पाक दा मिराज सच्चा है ते नबी पाक दे यार सिद्दीक कोलो अबू जाल गया ते जाके कहन लगा इंज करके मैं सुनया तू मैनू दस कोई बंदा रातों रात जाए ते आके मैं मिराज कीता नबी पाक दे यार सिद्दीक ने आख्या मैनू दस ए बंदा कौन कहंदा है कहन वाला कौन है उन्हें कहा तेरा नबी है फरमाया जे मेरा नबी है फिर मेरे नबी ने सच फरमाया फिर मेरे नबी ने सच फरमाया है तस्दीक कर दिती है अरशां तो रब ने सिद्दीक लकब अता कर दिता है ते एक गल होर नोट कर लो जिस बंदे दे अंदर सिद्दीक दी सदाकत मौजूद ना होए उस बंदे दे ईमान दा उन्हूं कोई फायदा ही कोई नहीं बोलो जेदे कोलो सिद्दीक दी सदाकत ना होए फायदा हो सकदा नहीं हो सकदा ए नबी पाक दा यार सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैनात दे लोगो ए नबी पाक दा यार सिद्दीक कौन सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंज करके ना नबी दे यार होर भी बैठे ने इंज हजरत अमर बिन आस नबी पाक सल्लम दी खिदमत चादर होए का जी केड़ा जिदे नाल तुहानू सब तो ज्यादा प्यार है फरमाया मैनू प्यारी ऐशा नाल सारिया तो ज्यादा प्यार है बोलो के दे नाल बोलिया जे के दे नाल हजरत
आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ओ कायनात दे लोगो कौन अम्मी आयशा। मैं मुस्तकिल टॉप के भी बयान करांगा लोग जड़ा है उस दौर दे यहूदी इल्जाम लगा के जलील हो गए अज दे रात दी भी दलील हो जाणगे। कोई नबी पाक दी बीवी हजरत आयशा ते इल्जाम तराशी नहीं कर सकता, जड़ा करेगा ओ जलील हो के रह जाएगा। ओ की शान दसामी ऐशादी ये दिशान दे विच कुरान आया जिदे तरे अक दसते चल चल के ओ जिबरील भी करन सलाम आया। ओ जिदे दरे अक दसते चल चल के ओ जिबरील भी करन सलाम आया। नबी पा फरमाया मैनू ऐशा नाल बड़ा प्यार है। फरमाया मर्दा विचों केड़ा? फरमाया वा अबूगा ऐशा दा बाबा अबू बकर। कायनात च सब तो बहुता नबी पाक नू किहदे नाल प्यार है यार वेखो ना। हर बंदा कोई शिया कोई बरेलवी कोई आले सुन्नत कोई देवबंदी है नारे लांदा है कि मैनू नबी पाक नाल बड़ा प्यार है। मैं नबी पाक तो जान भी कुर्बान करन वास्ते तैयार हाँ, मैनू नबी पाक नाल बड़ा प्यार है। ओदी शान दे क्या कहने जिदे बारे मेरा सोना नबी कह दवे जाओ लोगो सारी कायनात नालों वध के मैनू अबू बकर नाल प्यार। शान दे क्या कहने जिन्हू सोना मुस्तफा कह दे मैनू एदे नाल प्यार। ओदी अजमत दे क्या कहने कल इत्थे नहीं जे मुकी खुदा दी कसम इन्नियां रवायात इन्नियां आयात मैनू टाइम इजाजत नहीं दे रहा। मैं तफसील अंदर जावा एक एक बात तो जनाब दस दस तो ज्यादा नुका तेरे सामने रखा। कायनात दे लोगो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत सुनना लिबने भी आसम दे अंदर 1200 नंबर रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार अबू दरदा इन सफर ते जा रहे ने। अबू दरदा चलदियां चलदियां सिद्दीक तो अगे गुजर गए ने। नबी पाक ने आवाज लगाई है फरमाया ओए अबू दरदा पीछे आ जा तू किहदे तो अगे लंघ गया जिहदा नाम अबू बकर है। नाल फरमाया इन अबा बकरिन खई इन अबा बकरिन खैर इन अबा बकरिन खैर। ओए अबू दरदा कायनात सारे लोगां नालों अगर कोई बेहतर ते प्यारा अबू बकर। नबी पाक सल्लम ने अबू दरदा दा अबू बकर तो अगे भी चलना बर्दाश्त नहीं कीता। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो कायनात दे लोगो इब्ने माजा दी 93 नंबर रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो अगर मैं कायनात पे कि नबी नु इजाजत नहीं ओ किसे नु अपना जिगरी बनाए किसे नु अपना खलील बनाए अगर मैनू इजाजत हुंदी ते मैं अपना खलील अबू बकर नु बनाउंदा। ओ यार कह दियो सुभान अल्लाह। खुदा दा वास्ता सुस्तियां उतार दियो इत्थे खलो के शान सदीक अकबर बयान करना तेरे मुआशरे दा बहुत बड़ा जुर्म जे ए जुर्म इंशाल्लाह असी जब तक जिंदा रवांगे करते ही रवांगे। कह दियो इंशाल्लाह कह दियो इंशाल्लाह करते रवांगे इंशाल्लाह। कायनात दे लोगो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला नो रवायत दे रावी ने फरमाया एक दिन मेरे आका ने इन करके खुतबा इरशाद फरमाया सहाबा पाक नु बुला लिया मस्जिद नबवी। आका पाक ने सहाबा नु बुलाया ते सहाबा नु बुला के बैठा लिया ते मेरे अबू सईद खुदरी
रवायत थे रावी ने बुखारी पाक अंदर 3654 नंबर रवायत, मुस्लिम पाक अंदर 2382 नंबर रवायत। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा अगर अल्लाह पाक किसे बंदे नु इख्तियार दे देन ओ चाहे ते दुनिया ते रवे चाहे ते अल्लाह पाक दे कोल चला जाए। ये गल सुनिए ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए जिस बंदे नु इख्तियार मिलिया है उन्हें अल्लाह पाक दे कोल जान दा इरादा कर लिया है। इन्नी गल सुनिए सिद्दीक प्यारा इंज मस्जिद नबवी दी नुक्कर च बह के जारो की तारों लग पिया है। हजरत उमर ने आखिया ओ यार वे खोते सही बाबे अबू बकर नु की हो गया रो लग पिया वजह की है। ओ यार अबू बकर इलम च भी आला फाम च भी आला सोच भी आला जेन च भी आला दिमाग विच भी आला सब तो ज्यादा मसला समझण विच भी आला। फरमाया उमर प्यारिया तेनू नहीं पता इख्तियार अल्लाह किन्नू दे सकदा है। इख्तियार अल्लाह ने सोने मुस्तफा नू दिता है ते मुस्तफा ने अल्लाह पाक को जान दा इरादा कर लिया है। हुण नबी पाक साडे कोल मेहमान ने नबी पाक साडे कोल मेहमान ने सहाबा भी रोने लग पड़े ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार सिद्दीक दी फम चेक कर जरा यार उना दी फकात चेक कर जरा कितों जाके मसला खद कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंज करके बैठे ते दूसरे नंबर ते इसे हदीस अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं सारियां दे एहसान पूरे कर दिते ने लेकिन सिद्दीक दा एहसान आज भी मेरे ते मौजूद ने। सिद्दीक दे एहसान मैं पूरे नहीं कर सकता सिद्दीक दे एहसान पूरे करेगा त रब्बुल आलमीन ही करेगा। सिद्दीक रजी अल्लाह आखरी खुतबा है किन्ने प्यार नाल हजरत सिद्दीक दी शान बयान हो रही। फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर ते फरमाया इस कायनात अंदर अगर कोई मेरा खलील हुंदा अगर कोई मेरा दोस्त हुंदा ते ओ प्यारा सिद्दीक ही होना सी ओ प्यारा अबू बकर ही होना सी। ते नाल फरमाया मेरे सहाबा मस्जिद दे नबवी दे तमाम दरवाजे बंद कर दियो जेड़े सहाबा दे घरां चो खुलदे ने लेकिन सिद्दीक दा दरवाजा बंद ना करिया जे। सिद्दीक दा दरवाजा दो ही दरवाजे खोलते ने एक सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक प्यारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ कायनात दे लोगों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नगो किते मैनू बात याद आई है आज कोई गालियां निकाले हजरत अबू बकर सिद्दीक नो। कायनात दे लोगों नबी पाक सल्लम दी हदीस है ला तसुबू असाबी ला तसुबू असाबी ना गाली निकाल लो मेरे सहाबा नू। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मस्जिद नबवी च बैठे हजरत अबू बकर आए इंज करके ना हजरत अबू बकर ने अपना कपड़ा ऊपर उठाया ते घुटना नजर आ रहा है यानी गोडा नजर आ रहा है ते वेखे लगदा नाल एक सहाबी बैठे ने कहन लगे ने लगदा हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला नो रवायत दरावी ने कहन लगे ने लगदा आका जी अज तुहाडा यार किसे नाल कोई लड़ के आ रहा है किसे नाल कोई थोड़ा जिहा तलख कलामी हो गई है। हां सोनिया मैं उमर दे नाल उच्चा बोल बैठा उमर दे नाल उच्चा बोल बैठा कसूर भी मेरा है उमर मैनू माफ नहीं करदा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेन अल्लाह मुआफ करे, अबू बकर तेन अल्लाह मुआफ करे, अबू बकर तेन अल्लाह मुआफ करे। नबी पाक बेताब हो गए ने, ओ कमा वाले हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके उमर दे इंज करके हजरत अबू बकर दे घर गए, ना मिले वापस आए मस्जिद दे नबवी दे अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुहानू पता है जो मैं तनखा एलाने नबूवत कीता मेरा साथ सब तो पहले दिता है ते सिद्दीक ने दिता है, खुदा दा वास्ता है मेरे सिद्दीक नू तकलीफ ना दवो, मेरे सिद्दीक नू ना सताओ, लोगो मेरे सिद्दीक नू ना सताओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार कीता हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नू दे नाल, ते हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नू सब नालों ज्यादा फाम रखन वाले इलम रखन वाले सन, सब तो ज्यादा कुरानो हदीस दे इलम अंदर भी ज्यादा अल्लाह पाक ने मुकाम दिता है के इलम दी वजह तो दिता है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है ते इलम दी वजह तो अता की थी है। कहना दे लोगो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत दे रावी ने मुस्लिम पाक अंदर एक गदार 28 नंबर रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पाक ने इंज मस्जिद दे नबवी है जिवें यार एवें खतीब भी कोई वड्डा सवाल कर लैंदा ओए केड़ा तुहाडे चो अज ने रोजा रखिया है, केड़ा तुहाडे चो अज ने सदका कीता है, केड़ा तुहाडे चो अज आका पाक इंज नबी दे यार बैठे अबू बकर उमर बैठे उस्मान अली बैठे साथ ते सईद मास ते मोहब्बत सारे बैठे ने, आका पाक ने पूछया केड़ा है जिन्ने अज रोजा रखिया है, ते हजरत सिद्दीक खड़े हो गए आका मैं रोजा रखिया है, आका पाक ने पूछया ओ केड़ा है जिन्ने अज जनाजा पढ़िया है, हजरत सिद्दीक फिर खड़े हो गए आका जनाजा भी मैं पढ़ के आया, ते नबी पाक सल्लम ने पूछया केड़ा है जिन्ने अज मस्कीन नु खाना खिलाया है, ते हजरत सिद्दीक फिर खड़े हो गए आका मैं मस्कीन नु खाना खिला के आ रहा। कहना बे लोगो नबी पाक सल्लम ने पूछया केड़ा है जिन्हें आज किसे बीमार दी बीमार पुरसी कीती है, हजरत सिद्दीक फिर खड़े हो गए फरमाया आका मैं आज बीमार दी बीमार पुरसी भी करके आया, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अबू बकर ए जेड़े सारे अमाल ए अबू बकर तेरे जैसे जन्नती अंदर ही जमा हो सकते ने। वैसे आपस ही गाल ले कदी मुआजना करो असी भी कदी सिद्दीक दी सीरत से अमल करिए, सारे काम एक दिन च करिए, करोगे ना इंशाअल्लाह, करोगे ना इंशाअल्लाह, कोशिश करो यार। देखो लोगों ने ना अजकल ई बीमार पुरसी कोई बीमार हो जाता ना यार छोड़ो मेरे जान ना कहना उन्हें ठीक हो जाना वह कहना मेरा पता लैन आया, ओ यार तू बीमार दी बीमार पुरसी वास्ते जाएगा बीमार दे जाके जख्मा ते मरम लगाएगा अरशा ते रब राजी हो जाएगा बफरशा ते ओदा बंदा राजी हो जाएगा। कहना दे लोगो फरमाया 70,000 फरिश्ता उस बंदे वास्ते सुबह तो लैके शाम तक दुआई करता रहिंदा है, जड़ा बीमार पुरसी कर लेंदा एक काम औखा है 70,000 फरिश्ते दी दुआ मिल जाती। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत मैं ना एक रवायत पढ़ रहा सा अबू दाऊद अंदर ना 1678 नंबर रवायत ते हजरत उमर आप ही रवायत दे रावी ने कहंदे ने आका पाक ने
चंदे दा ऐलान कीता ते मैं अज बड़े रोब नाल उठिया, बड़ी जुर्रत नाल उठिया। मैं क्या अज मैं अबू बकर तो अमला च अगे वधना, अबू बकर तो अगे वध के वखोना। जिदी भी गल हुंदी है अबू बकर सब तो अगे बढ़ जांदा है। हजरत उमर कहिंदे ने मैं घर गया ते घर दा अद्धा समान दे आके नबी पाक दे कदमां च रख दिता। लगता तू कोई है तुहाडे चो अद्धा समान मसीते रखण वाला? बड़ा औखा काम है। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नूं पता चलिया घर दा अद्धा समान लिया। मैं कोई बात नहीं, केड़ी गल? हज़रत सिद्दीक घर दा सारा समान उठाया। मैं ते ए भी पढ़िया एक सुई भी नहीं छोड़ी, ओ भी लिया करके नबी पाक दे कदमा च रख दिती है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तू कदी भी अबू बकर तो अमलां विच अगे नहीं लंघ सकदा। अमलां विच अगे लंघ सकदा ए कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। ओ जदों यार इंज दे मिल जान खुदा दी कसम फिर सहाबा दी तादाद लखां च बन जांदी। सब तो पहला नबी पाक दी नुसरत करन वाला मददगार अबू बकर। आज कल जड़े लोगों ही वजह मुसलमान पीछे क्यों वे, अपना पैसा 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 बस पैसा। अल्लाह पाक दी राह विच खर्च करन तो डरदा है। वो मिलके बोलो ये पैसा देन वाला कौन है, माल देन वाला कौन है? जे ओदा माल ओदी राह विच खर्च करन तो डरे यार कादी इंसानियत कादी अकलमंदी है। ओ लोगो ओही कम आएगा जड़ा ओदी राह विच लगा देगा। अज नहीं ते कल मौत दा पैगाम आया, कख भी पल्ले नहीं पएगा। सब कुछ तेरे बीवी बच्चियां इस्तेमाल करन, किसे तेरी कबर ते कोई जनाब दुआ वास्ते भी जान के नहीं जा। लेकिन जेड़ा मस्जिद ते लगा जाएगा तू कबर च सुता होएगा। खुदा दी कसम अजर तेनू कबर विच भी मिलता रहेगा। आ जड़े अकाउंट बनाते हो ना जी, मेरा एक एमसीबी में अकाउंट है, एक मेरा जो है पंजाब बैंक में अकाउंट है, एक यूबीएल में अकाउंट है, तो की पहाड़ नू मथा लाया ही? जे आज मर जाए तो अकाउंट किस काम देने? आज मर जाए तो कोठियां बंगले कारा किस काम दिया ने? ओए लोगो आओ मैं दसा अकाउंट बना जड़ा तेरे मरण तो बाद भी जारी रवे, जड़ा तेरे मरण तो बाद भी चलता रवे। जावे हज़रत उस्मान दा अकाउंट आज भी मदीने दे अंदर जारी हो सारी है। ओ लोगो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मस्जिद बनवा गया जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे इनू अजर ज्यादा मिलता रहेगा, कबर विच भी अजर मिलता रहेगा, जन्नत दर्जात बुलंद हुंदे रहेंगे। अकाउंट बना के जा या अपनी औलाद नू दीन वाले पासे ला जा, तेरी औलाद जब तक कुरान पढ़ती रहेगी तब तक कबर विच तेरे नामे अमाल च अजर पहुंचदा रहेगा। इत नवा ही तमाशा चलिया है जी, की होया? मेरा बाप फौत हो गया जी, बच्चियां नू बुलाओ कुरान खानी करवाओ। की करवाओ जी? की हो रहा है? बच्चे पढ़ पढ़ के मेरे अब्बे नू मेरी मां नू पे बख्श देने। पहली गल वो पढ़ते ही नहीं, किन्ने कुरान? दस कुरान हो गए, अस्तग़फिरुल्लाह मां, किन्ने कुरान? दस कुरान। मेरे को लिखवा लो, मैं मिंबर ते खड़ा, असी भी साल बिलमी दौर चो गुजरे, दस कुरान दूर की गल, दस सूरतां भी पूरियां नहीं जिउंदियां। ये बात गलत है। कहना जी तालिबे इल्म मेरी मां वास्ते पढ़ रहे? वो तेरी मां वास्ते नहीं पढ़ रहे, जड़ी बार देख चढ़ाई है उदे वास्ते पढ़ते पे ने। ये तेरी उन्होंने की लगे मां तेरी एक तालिबे इल्म दी? जे इंज मावां बख्शींदियां हुंदियां ते हर बंदा ही जिहड़ा अमीर है वह हर रोज मावां ही ना बख्शाई आउंदा। मावां बाप तद बख्शींदे ने
अगर औलाद नेके पांच वक्त की नमाजी है, अगर औलाद हाफ़िज़े कुरान है, आलमे दीन है, इधरों पुत्र पढ़ खड़ा हो के नमाज पढ़ दे, दुआ कर दे अपने अब्बे वास्ते, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना गफिरली वाली वाली दैया वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। अल्लाह मेरे बाप नु बख्श दे, रब्बिर गम कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरा बाबा जिवे मेरे नाल बचपन च प्यार करके गया है, अल्लाह अपना लाल तेरी राह विच लगा के गया है, अल्लाह एवें अज मेरे बाप ते रहम फरमा के जन्नत दा मेहमान बना दे, फिर बख्शिशां हुंदियां ने। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा घर दा समान ले आके नबी पाक सल्लम दे कदमां च रख दिता है, कहना आप दे लोगो वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हजरत अबू हुरैरा रवायत दे रावी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, मेरे वाल वेखो जरा, क़यामत दा दिन होएगा जेड़ा रोजेदार है बाबू सयाम जो आवाजा वज रही ने, जेड़ा जनाब नमाजी है बाबू सलाह चो आवाजा वज रही ने, ओ कायनात दे लोगो जेड़ा कोई नेक जड़ी जड़ी नेकी करता है ओनू जन्नत दे उस दरवाजे चो आवाजा वज दिया ने। फरमाया मेरा सिद्दीक जन्नत दे करीब जाएगा, अट्टो दरवाजे चो आवाजा वजन गिया, सारे दरवाजे चो आवाजा वजन गिया, सिद्दीक साडे वल आ जा, सिद्दीक साडे वल आ जा। ओ यार इत्थे बंदा दुआ करदा अल्लाह मैनू जन्नत दे दे, वाह सिद्दीक तेरी अजमत नू सलाम है, इत्थे जन्नत कह रही है अल्लाह सिद्दीक मैनू दे दे। क्या शान है हजरत सिद्दीक अकबर, क्या अजमत है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ कायनात दे लोगों गल रह ना जाए, मुहब्बत दा इदार कर जावा, लकब सिद्दीक बन जाए सदाकत गो तो ऐसी गो, लकब सिद्दीक बन जाए सदाकत गो तो ऐसी गो, मजारोगा रके साथी रफाकत गो तो ऐसी गो, मेरे सरकार का रोदा जन्नत का भी टुकड़ा गए, मेरे सरकार का रोदा वो जन्नत का भी टुकड़ा गए, तेरी बेटी का घर है वो करामत गो तो ऐसी गो, करामत गो तो ऐसी गो, लकब सिद्दीक बन जाए, लकब सिद्दीक बन जाए सदाकत गो तो ऐसी गो। और बड़ा प्यारा जुमला, बता मंदिर एगारे सो देवान की नजरों का, समझ नहीं जी आई, एगारे सोर जरा हजरत सिद्दीक दिया नजरां दा नक्शा ते खिच, जो मेरा सिद्दीक आप सल्लम दा सर गोद विच रख के ते सोने मुस्तफा नू तक रहा होएगा। बता मंदर गारे सो दीवाने की नजरों का, के था सर उल की झोली में ज़ियारत गो तो ऐसी गो, लकब सिद्दीक बन जाए सदाकत गो तो ऐसी गो। और बड़ा प्यारा जुमला, ये थे नबी पाक दे यार सिद्दीक दी गल आई है,
मैनू भी गल अशार याद आ गए के सफरां दे विच जिन्ने मोढ़ियां ते चाया ए, सफरां दे विच जिन्ने मोढ़ियां ते चाया ए, सप भावे डंग मारे यार न जगाया ए, सप भावे डंग मारे यार न जगाया ए, अज भी ओ आका जी दे नाल सुते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, कौन हजरत सिद्दीक लकब सिद्दीक बन जाए, सदाकत गो तो ऐसी गो मजारोगा रे के साथी, रफाकत गो तो ऐसी गो, बड़ा प्यारा जुमला, तेरी पाकी दा बेटी पर गलत तुम लगी जिस दम, तेरी पाकी दा बेटी पे गलत तोमत लगी जिस दम, खुदा ने खुद सफाई दी बरात गो तो ऐसी गो, बरात गो तो ऐसी गो, लकब सिद्दीक बन जाए, सदाकत गो तो ऐसी गो, मजारो गार के साथी, रफाकत गो तो ऐसी गो, बड़ा प्यारा जुमला, उठाया अपने कंधों पर था सरकार रे दो आलिम को, उठाया अपने कंधों पर था सरकार दो आलम को, खुदा की इस अमानत की हिफाजत गो तो ऐसी गो, खुदा की इस अमानत की हफादत गो तो ऐसी गो, लकब सिद्दीक बन जाए, सदाकत गो तो ऐसी गो, मजारो गार के साथी, ओ जे कौसर और जन्नत के साथी, हशरों के साथी, रफाकत गो तो ऐसी गो, कौन नबी दा यार सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु, कायनात दे लोगो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बुखार होया, आका पाक गल ना मैं इख्तिताम दी तरफ लैके जाना चाह रिया जे, ओ कायनात दे लोगो मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका पाक दा यार हजरत सिद्दीक नबी सल्लम नु बुखार होया, बुखारी पाक अंदर रवायत मौजूद है, बल्कि जड़ी रवायत मैं पढ़न लगा ए मुस्लिम पाक दी रवायत है, इन करके नबी पाक सल्लम ने अजान हुई, हजरत बिलाल आए, सोने अजान हो गई है, फरमाया प्यार ये आयशा हुजरा पाक अंदर मेरे वाल वेखे आज जरा, हजरत आयशा भी मौजूद ने, हजरत फातिमा भी मौजूद ने, हजरत अब्बास भी मौजूद ने, हजरत अली पाक भी मौजूद ने, नबी पाक सल्लम ने फरमाया प्यार ये आयशा मेरे ते पानी बहाओ जरा, मैनू होश आ जाए, मैं जाके नमाज पढ़ावा, ते फिर हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो ए पे दोबारा पैगाम भेजे आए, जा बिलाल हजरत नबी पाक सल्लम नु कह आके नमाज पढ़ा देण, नमाज दा टाइम हो गया है, फिर हजरत आप सल्लम नु होश नहीं आ रहा, पानी बखाया जाए, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यार ये है शाह मरू अबा बकर फाली उसली बिनास, प्यार ये है शाह अबू बकर नु कवो मेरे मसले ते खलो के नमाज पढ़ा दियो, हजरत आयशा ने किया नबी पाक जी आ मेरे बाबा दा दिल बड़ा नरम है, तुहाडे मसले ते शायद खड़े ना हो सकणगे, उमर नु को नमाज पढ़ा दियो,
किसे गौर से आप दी जिम्मेदारी लगाओ। फरमाया नहीं ऐशा मरू अबा बकर वाली उसली बिनास कैनात दे लोगों, अगर मैं सारा जुमा नहीं जे सुनिया आ जुमला मेरी गुफ्तगू दा नचोड़े। मरू अबा बकर वाली उसली बिनास अबू बकर नु कवो मेरे मुसल्ले ते खड़ो के नमाज पढ़ाए। हजरत ऐशा नाल दूसरिया बीविया नु मुलाया सफारश लैके आईया ने कि हजरत उमर नु कह दियो मेरे बाबे च इन्नी ताकत नहीं, वो लोगों अज कोई शिकवा भी कर सकदा है कि हजरत आयशा ने जबरदस्ती नबी पाक को खवाया कि सिद्दीक नु कहो इमामत करवाए। नहीं नहीं नहीं, हजरत ऐशा ते इनकार कर दिया रही। नबी पाक ने फरमाया ऐशा प्यारिये मैं की करा मेरे रब्बुल आलमीन दा एही हुक्म है। ऐशा प्यारिये मैं की करा मेनू ते रब इजाजत ही नहीं दे रहा कि मैं अबू बकर तो इलावा किसे दा नाम लवा। अबू बकर गए ठीक है अबू बकर नमाज पढ़ाओ। हजरत अब्बास हजरत अली नबी पाक सल्लम दे कोल ने नमाज खड़ी हो गई है। फरमाया प्यारिये ऐशा नमाज खड़ी हो गई है। जी आका सुनिया नमाज खड़ी हो गई है। कैनात दे लोगो नबी पाक सल्लम ने आख्या अब्बास ने अली मैनू भी लेके चलो मस्जिद के अंदर। वजू किया ते मस्जिद अंदर जा रहे ने। ओ लोगो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किते अब्बास ते अली रजी अल्लाह तआला नो सिद्दीक दी अमामत इक्तदा दे अंदर नमाज ना पढ़न ते कोई शिकवा ना रह जाए। नाल उन्हां नूं भी लजा के हजरत अबू बकर दी इमामत विच खड़ा कर दिता है। सबक दे दिता है पहला इमाम पहला खलीफा कौन है। इत्थे आंदा दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ तेरी मस्ती च पहला नंबर हो सकदा है, तेरी चहालत च पहला नंबर हो सकदा है, तेरे नशे च पहला नंबर हो सकदा है। अगर शरीयत च वेखो कुरान च वेखो ते पहला नंबर केदा है ना बोले आजे पहला नंबर केदा है हजरत सिद्दीक दा। आका पाक आए सहाबा ने तालियां लगाइया हाथ हाथ मारे है सिद्दीक पीछे हो जाओ। नबी पाक आ गए हजरत सिद्दीक पीछे आने लगे ने। नबी पाक सैड से बैठ गए। फरमाया सिद्दीक तेरा इमाम मैं वा ते तू सारी कायनात दा इमाम है। इत्थे बस नहीं टाइम इजाजत नहीं दे रहा दो रवायात पढ़ के बात मुकान लगा। अबू दाऊद पाक अंदर रवायत मौजूद है। फरमाया हजरत बिलाल आए अजान हुई सोने अजान हो गई। फरमाया जाओ जाके सियापा नु को नमाज पढ़ा। किनु आखो ना बोलिया जे किनु आखो सियापा नु को नमाज पढ़ाओ। मैं ये बात समझना सिखाबा दा लफज अगर इस्तेमाल हुंदा है ते प्यारे अबू बकर ते इस्तेमाल हुंदा। बोलो केदे ते हुंदा है सब तो पहले आका ने दे ही किया अबू बकर ते अबू बकर रजी अल्लाह तआला नो मौजूद नहीं सन किसी वजह तो अगे पिछे उमर ने नमाज पढ़ा दी। जदों उमर ने नमाज पढ़ाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो दी आवाज कुछ कुदरत वल्लों उची है अल्लाह अकबर। फरमाया ऐशा प्यारिये कौन नमाज करवा रहे है। फरमाया हजरत उमर। फरमाया खिड़की खोली जाए मस्जिद नबी नु खिड़की खोली। फरमाया ला 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 नहीं 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 इंज नहीं हो सकता। अबू बकर किथे वे अबू बकर किथे वे अबू बकर किथे वे ते जो जवाब नहीं आया मेरे आका समझ गए नमाज होई है ते अबू बकर भी आ गए। ओ कैनात दे लोगो रवायत दा जिम्मेदार हवाले दा जिम्मेदार अल्फाज दा जिम्मेदार जेड़ा सिद्दीक दी सदाकत दा इनकार करदा मैं ओदे खलाली होण दा इनकार करना
जरा सिद्दीक नू गाली निकाल दे मैं उदे ते कुफर दा फतवा लगाना जरा सिद्दीक दे ईमान ते शक कर दे मैं उदे ईमान नू बातल समझना वा उदे मसब नू बातल समझना उदे फिरके नू बातल समझना जखन्नमी समझना कहना दे लोगो नबी पाक सल्लम ने फरमाया अबू बकर किते से जा अबू बकर जा के सहाबा दी दोबारा इमामत करवा जा के सहाबा दी दोबारा पहले नमाज किने पढ़ाई है बोले आज ना किने पढ़ाई है हजरत उमर रसी अल्लाह ताला नो जाओ दोबारा इमामत करवाओ फरमाया अबू बकर तेरी फर्जी हो जाएगी सहाबा दी नफली हो जाएगी नाले पता चल जाएगा जो अबू बकर मौजूद होवे अबू बकर दी मौजूदगी दे अंदर कोई दूसरा इमाम हो सकता ना बोलिया जे दूसरा इमाम हो सकता नहीं और इमाम वावा आलमे दीन जमाने बड़े उलमा जमाने सियापा जमाने किवें वंड लगेगी किवें पता चले कि इमाम कौन करवाएगा नबी पाक ने चार असूल रखे फरमाया जिदे कोलो कुरान दा इलम ज्यादा ओ इमामत करवाएगा ते मिलके बोलिया जे कुरान दा इलम सब नालो ज्यादा केदे कोले खुदा दवा स्टैंड ते बोलो सिद्दीक दी सदाकत च बोलो सब तो ज्यादा कुरान दा इलम केदे कोल अबू बकर दे कोल फरमाया दूसरे नंबर ते अगर कुरान दे इलम च बराबर ने फिर सुन्नत दा इलम देखिया जाएगा और सुन्नत दा इलम सब तो ज्यादा केदे कोल अबू बकर दे कोल नंबर तीन फरमाया जिन्हें पहले इस्लाम कबूल कीता है सब तो पहले इस्लाम कबूल किन्ने कीता है ओ बोलो किन्ने हजरत अबू बकर ने फरमाया जिन्हें पहले हिजरत की है चौथे नंबर ते उन्हें वेख्या जाएगा ते पहले हिजरत करने वाला भी कौन है अबू बकर ते फिका जाफरी भी पढ़ जावा पर फिका जाफरी च लिखिया है पंजवी शरत के जेड़ा उमर च वड्डा होए ते उमर विच वड्डा भी कौन है ते फिर मिलके जरा पता चल जाए पहला नंबर केदा है बोलो बोलो पहला नंबर केदा है अबू बकर दा पहला नंबर है कैनात दे लोगों बेशमार रवायात ने बेशमार हदीस ने वक्त इजाजत नहीं दे रहा आखर ते बस यही कहांगा ओ सिद्दीक तेरी सदाकत दा नाम शरीयत है ओ सिद्दीक तेरी इबादत दा नाम शरीयत है सिद्दीक तेरे ईमान ले आउण दा नाम शरीयत है ओ सिद्दीक तेरे गजबात दा नाम शरीयत है ओ सिद्दीक नबी दे नाल तेरा चलना शरीयत है ओ सिद्दीक नबी दे नाल तेरा उठना बैठना शरीयत है नबी दे नाल तबलीग करना शरीयत है अगर सिद्दीक नू निकाल दिता जाए सिद्दीक दी सदाकत दा इनकार कर दिता जाए फिर बोलो शरीयत मुकम्मल हो सकदी शरीयत ही मुकम्मल नहीं गल मुक दी मुक गई है नबी पाक मक्के च नबी दा साथी सिद्दीक मदीने च नबी दा साथी सिद्दीक ते गार दे विच भी नबी दा साथी मजार दे विच भी नबी दा साथी ते कल हशर दे अंदर भी नबी दा साथी होजे कौसर दे भी नबी दा साथी ते जन्नत दे अंदर भी नबी दा साथी सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नु दुआए अल्लाह सानू सही माने अंदर सहाबा किराम दा अदब एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए उना दे जिंदगी ते सीरत ते चलन दी तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।